हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बैक नेक डिजाइन लेके आए हैं। वो ये डिजाइन आप ब्लाउज पर बना सकते हैं, गाउन पे भी बना सकते हैं, लहंगे के ब्लाउज पे और क्रॉप टॉप पे भी आप बना सकते हैं। तो डिजाइन हमारी कुछ इस तरीके से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है लाइनिंग का। तो सबसे पहले हम डिजाइन को लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। और ये हमारे पास मेजरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है इस तरीके से आगे और पीछे का पल्ला पकड़ेंगे, और ये जो खुला पार्ट है इधर से हमें कटिंग करनी है। इसको इस तरीके से आधा इंच यहाँ छोड़ेंगे और आधा इंच इधर छोड़ेंगे, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है, ये जो आगे हुक है इस पार्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस सेंटर पे लाके मिला देंगे, तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। इसको हमें स्केल से या इंची टेप से खींच लेना है। इधर के हम बराबर कर देंगे। अब हमें यहां से 8 इंच लेना है, यहां से हमें 7.5 इंच रखना है, पीछे हुक है इसमें, और यहां से हम 3 इंच लेंगे गले के लिए। यहां से हमारा ये 4 इंच रहेगा। इसको हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे, और ये जो नीचे का पार्ट का डिजाइन बनाना है हमें इसको या क्या करेंगे, इस तरीके से आधा इंच यहाँ पर सिलाई छोड़ेंगे और आधा इंच यहाँ पर। और ये जो गले का निशान है इसको इस बराबर में कर लेंगे। यहां से हमें 5 इंच रखना है। इस तरीके से हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये थोड़ा फैले में आएगा गला, और यहां से जो आर्म होल रहेगा वो 7 इंच रहेगा। यहां से 1.5 इंच पर गोलाई कर देंगे इसकी, नीचे भी इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने लाइनिंग पे कटिंग कर लिया है। अब हमें कपड़े पे भी कटिंग करना है, तो हम कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने लाइनिंग पे कटिंग कर लिया है। अब हमें कपड़े पे भी कटिंग करना है, तो हम कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कपड़े पे कटिंग कर ली है। अब पिन भी हमने लगा लिया है दोनों ही पार्ट में, और ये गले का जो है
हमने पट्टी काट के इसमें बकरम भी लगा दिया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम इस पे भी मशीन चला लेंगे। तो इस तरीके से हम गले में इसको फंसा लेंगे और फिर इस पे सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इसको सिल के पलट भी सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही पतला है, इसलिए इसमें हम बकरम लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई करेंगे। और ये जो नीचे का है, यहाँ पे बॉर्डर है, हमें क्या करना है, इस तरीके से इस कपड़े को इतना फोल्ड करके और इसके ऊपर से सिलाई चलानी है। और ये गले पे हम छोटा छोटा सा कट कर देंगे। फिर देखिए हमने गला दोनों तरफ से ही बना लिया है और गले की इस साइड पे सिलाई चला दी, जिससे ये बैठ जाता है अच्छे से। अब हमें इस पे सिंगल और डबल पट्टी लगानी है। तो ये हमने कट करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसमें डबल पट्टी लगा लेंगे। ऊपर थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। और ये साइड भी सिंगल पट्टी लगेगी, तो इधर भी हम फोल्ड कर देंगे। और इसको भी थोड़ा सा डबल सिलाई कर देंगे। इसको हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ही इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ऊपर से सिलाई चला लेंगे। डबल और सिंगल पट्टी लग गई है। अब हमें गला बनाना है। गले के लिए भी हमने ये पट्टी कट करके रखी हुई है। इसको इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। पहले एक इधर तिरछा रहेगा और दूसरा इस साइड से। इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमें गले पे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इस पर सिलाई करनी है। ढीला ही ढीला सिलेंगे, क्योंकि ये फोल्ड होगा। और इसकी छोटी छोटी सी हम कटिंग कर देंगे। और ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई डाल देंगे। तरीके से हम इस पार्ट में भी कर लेते हैं।
तो ये गला रेडी हो गया है। लटकन था मेरे पास, हमने इसमें लटकन लगा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि डिज़ाइन आपको कैसी लगी। तुरंत ये डिज़ाइन तैयार हो जाती है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।